कल के वीडियो में पंक्चर हुई अपने मोटरसाइकिल को रोड के साइड पर छोड़कर मैंने अपना सामान इस स्कॉर्पियो में लोड किया। मैं मंसूर भाई और उनके प्यारे से फैमिली के साथ कारजोक विलेज आ गया था। कारजोक में जो इनका होटल था उसी होटल में मुझे एक कमरा मिल जाता है। यहाँ यशपाल भाई और ये दीदी हमारे मेजबान थे। बहुत ही वार्म और बढ़िया हॉस्पिटैलिटी भी थी इनकी। शाम हो चुकी थी और हम चाय नाश्ता करने इस डाइनिंग हॉल में बैठे थे, लेकिन दोस्त मेरा सारा ध्यान उस वीरान रास्ते पर अकेले खड़ी मेरी मोटरसाइकिल पर था। तभी इस कहानी में एंट्री होती है कर्मा भाई की, और इनके पास बोलेरो पिकअप गाड़ी थी। दीदी और यशपाल भाई ने कहीं से कॉन्टैक्ट निकालकर कर्मा भाई को यहाँ बुलाया था, और ये कल सुबह मेरी मोटरसाइकिल को पंक्चर की दुकान तक ले जाने के लिए तैयार हो गए थे। इस गांव में कोई मैकेनिक ना होने की वजह से हमें पंक्चर बनवाने यहाँ से 80 किलोमीटर दूर चुमाथांग जाना था। लेकिन यार मुझे ना अपनी मोटरसाइकिल से बहुत प्यार है, और रात भर उस वीरान सड़क पर मैं धन्नो को अकेला नहीं छोड़ सकता था। मुझसे कल सुबह तक का इंतजार नहीं हुआ दोस्त। मैंने कर्मा भाई से रिक्वेस्ट किया और हम रात में ही मोटरसाइकिल को इस होटल तक लाने के लिए निकल पड़े थे।